अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हॉरर मूवीज़। मैं इस वीडियो के लिए ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हॉरर मूवीज़ बनाने के लिए डायरेक्टर ने एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट क्यों करना होता है। मतलब यूँ लगता है कि एक नई फिल्म बनाने के लिए हमारे डायरेक्टर साहब किसी पुराने कॉन्सेप्ट को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। हेलो बॉस, एकदम मस्त हॉरर मूवी का आइडिया आया है। हाँ शफाक बेटा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो जो पिछले साल हॉरर इन पाकिस्तान आया था ना, उसका नाम बदल कर हम हॉरर इन मार्गला रख देता है। मतलब हमने पाकिस्तान को मार्गला से बदल देना है? हाँ एकदम ऐसे ही बॉस। और बॉस उसमें जो रुखसाना थी ना, उसका नाम हम बदल कर सुंबल रख देता है। और वो जो अपना अनवर था ना उसमें, वो छोटा लड़का, हाँ उसका नाम हम बदल कर छोटा भीम रख देता है। और प्लॉट वगैरह वो सब तो सेम रहेगा ना? नहीं हाँ, वो प्लॉट बाकी सारा सेम है। जबरदस्त बेटा, नाइस वर्क। अपना सारा क्रू गैदर करके ना इस पे फौरन काम शुरू करते हैं। ये मूवी ना अपनी बॉक्स ऑफिस हिट होगी इंशाल्लाह। अब मूवी के स्टार्ट में यूजली तीन चार टीनेजर्स होते हैं जिनका अचानक से प्लान बनता है कि इन्होंने किसी वीरान सुनसान जंगल के एंड बीच में जाके कैंपिंग करनी है। मतलब क्यों यार, तुम लोग मोनाल जा सकते हो, तुम लोग सेवर से जाके पुलाव खा सकते हो, तुम लोग कोई मॉल शॉल घूम सकते हो, लेकिन नहीं, हमने तो शहर से कहीं दूर जाकर नेचर इंजॉय करनी है। सिंबल मुझे बड़ा जबरदस्त आइडिया आया है। मार्गला में वो लास्ट वीक नया ट्रेल खुला था ना, उधर चल के हम कैंपिंग करते हैं। अभी तो इतनी रात हो गई है, सुबह देखेंगे। नहीं यार, बेस्ट ट्रिप्स आर दी अनप्लान ट्रिप्स। ये अगर हमने सुबह पे बात छोड़ी ना, फिर बस समझो सारा सीन फ्लॉप। बस हम दोनों? नहीं, मैंने काशिफ और खदीजा को भी ऑलरेडी कॉल मिला दी। ये देखो काशिफ ने उठा भी ली कॉल। हाँ भाई, क्या चल रहा है यार? ये डिस्कशन वगैरह सारी खत्म करो, मैं भी गाड़ी ला रहा हूँ और हम मार्गला की तरफ निकलते हैं। चलो सही है, मैं रेडी होती हूँ फिर। चलो सही हो गया, फिर मैं भी अपना सामान पैक करता हूँ। यार इधर कोई बंदा बशन नजर नहीं आ रहा, काफी देर से हम किसी आबादी से भी नहीं गुजरे। ये हम सही रास्ते पर तो है ना? रिलैक्स ब्रो, मैं गूगल मैप्स पे अभी लोकेशन लगाता हूँ। नहीं, यार तुम्हें पता है ना गूगल मैप्स हमेशा गलत जगहों पे ले जाता है। अरे भाई चिल कर, देख लोकेशन लग भी गई है, बस अभी से आराम से फॉलो करता रहे। अब जब ये ग्रुप जाए वकुआ पे पहुंचता है तो ऑफ कोर्स मोबाइल के सिग्नल्स वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं। मूवी की इस स्टेज पे एक बंदा, यूजली एक बाबा जी, इस ग्रुप को वार्न करता है। ओए मूर्ख लोगो, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस घर पर एक चुड़ैल का साया है। बाबा जी लगता है आप भटक गए हैं, आइए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। अभी काफी रात हो गई है, ऐसे करते हैं अभी नींद पूरी करते हैं और कल सुबह हाइकिंग के लिए निकलेंगे। हर ग्रुप में एक बंदा वो होता है जिसको शेरलॉक बनने का शौक होता है। अगर कहीं से कोई अनयूजुअल आवाज आ रही है और सवाल पूछने पर जवाब नहीं आ रहा, तो ये शेरलॉक साहब वो पहेली सुलझाने अकेले ही जाएंगे। सामने कौन है? सामने हो। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। चुड़ैल, दूर रहो मेरे से, दूर रहो मेरे से। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह।
ग्रुप में एक कैरेक्टर ऐसे होता है जो टोटली साइंस में बिलीव करता है। अब इस बंदे को यूँ लगता है कि ये सुपरनेचुरल वगैरह कुछ नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूर होगी। अरे ये क्या, ये यहाँ पर कैसे लटक गई, ये घर तो हॉन्टेड है। अरे यार ये सब कहानियाँ होती हैं, ये भूत भूत कुछ नहीं होते। नहीं तो मुझे खुद बता, तूने कभी अपनी आंखों से देखा है भूत? यार इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन होगी। इसके बाद अब जो लोग बचते हैं वो इस बाबा जी को दोबारा से ढूंढते हैं और इस बार इसकी नसीहत को गौर से सुनते हैं। बाबा जी इनको उस कर्ज को लिफ्ट करने का तरीका बताते हैं और ऑफ कोर्स हर कर्ज को लिफ्ट करने की एक खास कीमत चुकानी होती है। पापा जी प्लीज हेल्प कर दीजिए, हम बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं। बेटा अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब तुम्हारी मदद सिर्फ कायदे आजम कर सकते हैं। कायदे आजम? हाँ बेटा कायदे आजम। जी जी बाबा जी मैं समझ गया, कायदे आजम। बताओ क्या हिसाब करना है। 2500? नहीं बाबा जी ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हो ना, आपकी स्टूडेंट रेट लगाओ ना। चलो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए सिर्फ 2300। बाबा जी इतने भी नहीं है मेरे पास। यार तुम कैसे गरीब आदमी हो, खाली जेब में लेके फिरते हो। गिरो बाबा जी 2000 रुपया, बस हमारी जान छुड़ाओ इससे। ये लो बेटा ये 2000, जाके अपनी माँ को दे दो। तुम लोगों पर से साया उठ गया है, अब मैं तुम्हें इनकी बैक स्टोरी बताता हूँ। दरअसल में ये गरीब फैमिली थी जिसके पास कोई पैसा नहीं था। इनसे हमारी वजीर इत्तलात ने टीवी पर 2000 रुपए का वादा किया था, लेकिन वो पैसे इनको कभी नहीं मिले, तो ये बेचारे भूखे मर गए। तब से ये गरीब फैमिली वो बयान आज तक लूप पे देख रही है, और ये फैमिली किसी को तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वो इनको 2000 रुपए न दे दें। वीडियो खत्म। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मैं सीडियो से शेयर करो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी।